हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल की वीडियो में। तो भाई यार, ये मैच ना बहुत ख़तरनाक होने वाला है। इसमें हमारे किल भी अच्छे होंगे, चिकन भी हो जाएगा। और भाई, इसमें हम खेल रहे हैं HDR मोड में पहली बार, क्योंकि देखो आपको पता है अगर HDR में खेलते हैं तो गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है। अगर आप आईफोन यूज़र नहीं हो तो, क्योंकि हम नहीं हैं सस्ते गेमर, तो यार अब जैसा भी चलेगा, जैसा भी होगा यार खेलेंगे। तो बस यार, अब मिलिट्री बेस उतर रहे हैं और क्या कांड हो गया भाई। मतलब आप खुद देखना क्या गजब की लैंडिंग होने वाली है और क्या ही बंदे मारेंगे उतरते ही। एक कैम मिलेगी और भाई क्या ही बंदे मारेंगे, अब देखना भाई। अबे साले ऐसे, अरे ऐसे नहीं साले, वो बोलेंगे फट गई फट गई सालों की, फट गई। तो यार यहाँ पर हमारा इरादा तो था मिलिट्री बेस जाने का भाई। मैंने कहा था सी बिल्डिंग उतार दे भाई, देख लेंगे कहीं भी गन मिल जाएगी अपने को, सबको फेल देंगे। लेकिन भाई हमारे तो टीममेट गजब की है भाई। मतलब यार देखो, गांव उतार दिया, फट गई सब लोगों की। बट मैंने कहा यहाँ पर एक जाना उतरा है, उसका तो क्या मेरे को ही चाहिए। तो यहाँ पर भाई मेरे को उतरते ही एक मिल गई थी, तो मैंने कहा अब तो भाई उसके पास कोई सी भी गन आ जाए अब तो मैं ही मारूंगा उसको। और उस बेचारे के पास सही में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक स्मोक ग्रेनेड होता है। और ये देखो भाई कैसे मज़े ले रहा हूँ मैं उसके, मतलब मार नहीं रहा भाई, मैं जानू उसके नहीं मार रहा। ये देखो टैप टैप करके मार रहा हूँ, ये देखो भाई नहीं मारा मैंने उसको, रुक गया मैं, जानू के रुक गया भाई। देखो क्या ही मज़े ले रहा हूँ। लेकिन अब भाई जैसे यहाँ पर भाई इसने, ये देखो क्या क्या भाई नेड खेल रही है। मेरे को दिखा नहीं, वो स्मोक था, मेरे को लगा नेड है भाई। मैंने सोचा अकेला होगा, खेल निकल जाएगा, तो मैंने फटाफट मार दिया। फिर देखो यार इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, वही लेवल 1 का बैग था। तो मैं कहता हूँ कि बस यार अब मेरा तो किल हो गया उतरते ही, अब तुम देख लो। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर आसपास कोई बॉट वॉट मिल जाए, क्योंकि उनसे लूट भी मिल जाएगी मेरे को। तो इस बार तो रिकॉर्ड रहेगा है। हाँ, ओ हमें गाड़ी भी मिल गई, 3-व्हीलर, और घर भी यहाँ पे बहुत सारे। तो यहाँ पर भाई मेरे टीममेट्स लूट कर रहे होते हैं, उतनी देर में भाई मैं गाड़ी वाड़ी ढूंढ लेता हूँ। और जैसे ही मैं गाड़ी यहाँ पर लाता हूँ, बैठ जाती है यार वो। तो मेरे को एक टॉमी गन भी मिल गई है AKM के साथ। तो बस मैं अब मेरे टीममेट का वेट कर रहा होता हूँ, और जैसे ही वो आता है भाई फिर गाड़ी चलाएंगे। और भाई जाते जाते यार सोने पे सुहागा करने एक और बॉट आ जाता है, तो उसको तो भाई गजब ही मारा। मतलब मेरे को लग रहा था कि यार नहीं मार पाऊंगा मैं, लेकिन भाई मार दिया तो अच्छी बात है। और इसके पास भी भाई दोनों AKM होते, तो वो मैं कहता हूँ कि भाई टीममेट तुम ले लो भाई, ये जो हमारे फर्स्ट नंबर है। और फिर भाई हमारे, तो अब बस यार उस बॉट को मारने के बाद हमें पता लगता है कि भाई मतलब फ्लेयर चली है मिलिट्री बेस में। मेरे को लग रहा था कि यार अभी तक फाइट ही चल रही होगी, पर सिर्फ 5 मिनट हुए थे देखो मैच को चालू हुए हुए, तो मेरे को लगता था कि यार फाइट वाइट चल रही होगी अभी। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, बंदों ने फ्लेयर मंगाई भाई, और एक फ्लेयर नहीं मंगाई, आप देखना भाई कितनी फ्लेयर मंगाई। तो भाई मैं कह रहा था कि अगर यार इस मैच में जो ये लैंडिंग हुई, माशाल्लाह लैंडिंग हुई, तो मैं कह रहा था कि भाई अगर मेरे ज़्यादा किल नहीं हुए तो भाई ये मैच तो एकदम वेस्ट है, और फिर मैं नहीं खेलूँगा। तो मैं सीधा भेड़ देता हूँ इसमें गाड़ी। और हमारे पास भाई AKM होती है यहाँ पर, तो AKM लेकर तो भाई आपको पता है क्या ही चौड़ है हमारी। और जितनी देर में भाई मैं यहाँ आता हूँ, भाई ये बंदा देखो यार बेचारा गाड़ी फोड़ रहा होता है, मैं इसको तो नॉक कर देता हूँ। बट यार किल कंफर्म करने के चक्कर में गलती हो जाती है और ये बंदा भाई मेरे को पकड़ लेता है। वो तो अच्छा हुआ भाई मेरे टीममेट सही टाइम पे आ गए, नहीं तो भाई यार ये भी मैं यहीं मर जाता और मेरा गेम ख़त्म हो जाता। तो कोई बात नहीं यार, मेरा किल आ चुका है, स्मोक वो कर दिया है हमारे टीममेट्स ने। और मैं फिर अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई यार जल्दी से रिवाइव दे दो, मेरी हेल्थ बहुत कम है। और यार अभी टेंशन, मतलब अभी इनके टीम के 2 बंदे और बाकी हैं जिनके पास ड्रॉप की गने हैं, और बहुत ही जल्द अब हमारे फेवरेट गन भी मिलने वाली है हमें। आप जान गए होंगे हम कौन सी गन कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार ये सस्ती गनों से कुछ नहीं होगा, ये टॉमी गन से भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भाई मैं कहता हूँ कि मेरे को तो लूटना है अभी। तुम देखो भाई मेरे पास फर्स्ट एड भी नहीं था, और फिर सिस्मो कहता है कि भाई मेरे से ले लेना यार तू फर्स्ट एड, अभी तो देखते हैं इन बंदों को। एम के वाला तो गया, इसकी लूट मेरे पास आ गई। लाओ इसका जो आखिरी बंदा उसको पेल दे। वो है वो, इतनी फट क्यों रही है इनकी।
चार है, दो है। अच्छा डी चिक भाग गया। इसका तो हर बार का ही हो गया हम। अरे हाँ भाई इसका नशे जैसा ही है, भाग इतना बार बार साला, ये क्या यार तकनीक है तुम इसको। मानते नहीं यार, मैं तुम्हारे पास आता ना भाग के खाऊंगा, किधर तुम्हारे से पहले खो जाता। और यहाँ पे मैं चलो कसम करो तो यहाँ पर भाई सारी हील लगाने के बाद हमें M4 और M7 मिल जाती मिलता है, जो कि यार कुछ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो तो। यहाँ पर भाई हमारे पास सब कुछ है, और मैं कहता हूँ कि अब आ जाओ भाई, अब मारेंगे उन बंदों को, मैं ही मारूंगा। लेकिन यार यहाँ पर किल नहीं मिल पाते, अरे देखना वो है कहाँ यार पर था? कैसे ही किल चोरी होंगे। अब बस मैं कहता हूँ कि अच्छा आ गए, चलो फिर सीधा ओ ये भागता हूँ, कैसा क्योंकि भाई गेम? इस मैच में मेरे को किल चाहिए होते हैं। और जैसे यार मैं इस बंदे को देखो कितना मारा, लेकिन यार ये सेस्मो साला किल चोरी कर गया मेरा। तो यहाँ पर भाई जैसा कि पीछे मैं बोल रहा पीछे था, से हमें भाई अपनी लगा रहा फेवरेट गन मिल चुकी है MK14, जो आपको पता है यार काफ़ी खतरनाक गन है, और इसको भाई मैं कभी नहीं छोड़ता। देखो मैं M249 भी है। ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है यार, दोनों अरे अलग अलग अपने एमओ पास की है। गन नहीं लेंगे, नहीं ठीक नहीं नहीं चलेगा अपने उससे। एक में है पता चला एमओ ही ख़त्म हो गई, क्योंकि आपको पता है भाई M4 की एमओ कब ख़त्म हो जाती है भाई, स्प्रे देते देते पता भी नहीं लगता। और इतनी देर में भाई हमारा जो टीममेट होता है, हमारा जो फोर्स मेंबर होता है, वो भाई पता ही नहीं कौन से नशे में होता है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहीं बैठा हुआ था, वो कहीं नहीं गया भाई। अरे नहीं बंदे आ गए। हाँ अरे सी बिल्डिंग में वॉच आउट। एग्जिट कर देना यार, चल रहा है। अरे एक बॉट फायर कर रहा है, पता नहीं कहाँ पे है। हाँ, अरे ये डीची गए, एक नंबर का चोर है, सब किल ले लो, सर को एक किल भी मत लेने दो इसको। अरे वो वॉच रहे आउट। बंदे, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो उधर। अरे कोई बॉट फायर नहीं कर रहा, बॉट ही है वो, वरना बंदा ही किसी पहुंच चुका था, गारंटीड बंदा नहीं है, बॉट है। और तो नॉक पड़े हैं इधर बंदे। बात तो सही है। नाइस। नॉइस नहीं कैंपर कहीं का लेटा हुआ। और कहाँ है भूसड़ी वाले, कहाँ यहाँ पे ओम पड़ी है, लेनी तो ले पता लो। नहीं। कहाँ मार्क्ड एन एयर ड्रॉप, मार्क्ड एन एयर साले ड्रॉप। आम कौन मेरे को बोल देता ना मैसेज करके, आ रहे तो आओ वरना मैं लूं। तू ले ले सर, तू ले ले भाई, तू ले ले भाई, तू ले ले प्लीज भाई, दक्ष यार ले ले लिया, लिया भाई, दक्ष यार मस्ती कर लो। ले लिया ना, ले ले दक्ष, ले ले। ये कोई फाड़ पे देखना, फाड़ पे से बॉट फायर हो रही है। ठीक है तो यार यहाँ पर मेरे को पता लगता है कि भाई और बंदे भी बाकी है, तो मैं भगते भगते जाता हूँ भाई, कि अब तो एमके है। लेकिन जितनी देर में मैं पहुँचता हूँ भाई, वहीं पे यार सारे ऑलरेड हो रहे थे यहाँ के भी, तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई अब मेरे को यार स्नाइपर भी चाहिए, क्योंकि यार देखो MK और स्नाइपर चलाने का मन हो रहा था मेरे को इस मैच में। तो मैं कहता हूँ कि भाई AWM होगी इनमें पक्का होगी, तो भाई वही ढूंढ रहे होते हैं, और हमारे टीममेट को मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं मिल पाती यार। तो मैं बस भाई भागते भागते जा रहा होता हूँ कि यार वो AWM मेरे को मिल जाए, जैसा कि मेरे टीममेट ने बताया भाई इस क्रेट में AWM है। तो देखो यार ये दो प्लेयर है, ये सिंपल ड्रॉप नहीं है भाई, ये पता ही नहीं पबजी वालों के क्या ही नशे है, कोई सा भी ड्रॉप दे देंगे, ये भाई प्लेयर ड्रॉप ही है भाई, कभी भी कोई सा भी ड्रॉप आ सकता है। और यहाँ पर हमारे टीममेट भाई AWM लेके भाग गए थे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर यार देखो भाई क्या ही बंटवारा चल रहा है, मतलब सारे लोग कह रहे हैं भाई मेरे को स्कोप दो, मेरे को स्नाइपर दो, क्या ही गजब लोग हैं। और यहाँ पर भाई हमारे सैस वो गुस्से में आ जाते हैं और उन पर नेड कर देते हैं, काश इस नेड से वो दोनों नॉक हो जाते हैं। मैं AWM ले बगैर जाता नहीं यहाँ से, और ना ही रिवाइव देने देता। जा।
बट कुछ नहीं हुआ यार उस नेड से। तो यहाँ पर भाई सिर्फ एक और नेड फेंक देता है इन लोगों पे और मैं इनको बैठ देता हूँ। और वो भाई ओपी नेड से यार गजब भाई, मतलब एक टीममेट हमारा नॉक हो ही जाता है इस नेड से। तो इस नेड के लिए भाई एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। दक्ष मौली पे गो की स्मोक। मैं सही बता रहा हूँ, घर पहुंच जाऊंगा अभी ओला करके। अभी तो गाड़ी और है मेरे पे, गाड़ी पहुंच जाऊंगा। मेरा घर है कहाँ पे बता। मजाक ओला को नहीं तो कर रहा पता मैं, होगा। बहुत सटका हुआ आदमी, मजाक मत किया कर। तो यहाँ पर यार मैं कहता हूँ कि भाई तुम लोगों को अगर हो गया हो तुम्हारा भाई टाइम पास, तो चलो मेरे को तो और किल करने, क्योंकि अब बंदे बाकी नहीं थे, सिर्फ 14 जने बाकी थे हमको हटा के। तो मैं कहता हूँ कि जल्दी से गाड़ी में बैठो, क्योंकि रेड जोन भी बन गया था। तो हमारे टीममेट कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, और भाई बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि देखो यार जो सामने रेड जोन फटा। और भाई मैं फिर कहता हूँ कि यार मैं भी यहाँ पे उतर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, और जितनी देर में हम ऊपर आते हैं उतनी देर में भाई रेड जोन ख़त्म हो जाता है। तो ये तो काफी अच्छा हुआ भाई, टाइम सेव हो गया। हाँ अरे अरे हार किया, भाई बुलाया सलाम को। तो यहाँ पर यार हमारे टीममेट बताते हैं कि उन सामने वाले घरों में बंदे हैं। तो मैं तो भाई भगते भगते जाता हूँ, क्योंकि पता है यार आपको किल की भूख भाई कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैं तो भाई सीधा भाग जाता हूँ यहाँ पर भाई सबको छोड़ के, और उतनी देर में भाई हमारे टीममेट एक को नॉक कर देता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई चलो आप तो रश कर देंगे, क्या ही मज़ा आया यार AWM से नॉक करने में, अलग ही मज़ा आता है। काश मेरे पास भी होती, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं यार, अब M4 और MK से ही काम चलाएंगे। वैसे भी बहुत खतरनाक गन है। तो यार यहाँ पर हमारे पास फेंकने के लिए कुछ नहीं होता, तो भाई मेरे पास तवा होता है वही मैं फेंक देता हूँ। और भाई हमारे से वो 1.5 IQ गेम प्ले करके यार यहाँ सीढ़ियों से जाएंगे और हमारा किल चुरा लेंगे। देखो यार यहाँ पर सांप था, और भाई मेरी जॉयस्टिक को पता ही नहीं क्या हो गया, वो वापस नीचे की तरफ चले गई, नहीं तो ये किल भी मेरा होता और भाई एक किल और बढ़ जाता। बट अब क्या ही कर सकते हैं यार, नहीं मिला एक ही किल, 4 ही किल हैं अभी भी। तो मैं कहता हूँ कि यार अब तो जल्दी चलो, सिर्फ 5 जने बाकी है और मेरे को किल चाहिए भाई। फिर तू ये डालेगा है। देखा मैं कितना सही सोचता हूँ कि ड्रॉप पे बंदे होंगे तो होंगे, क्योंकि उधर गाड़ी खड़ी है। ओ मेरे को 4x मिल गया। नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं था ये, बिकॉज लगा कि बंदे हैं और थे। तो यार यहाँ पर मैं गाड़ी लेने चाह ही रहा होता हूँ, ये लेकिन भाई पता इतने में ही क्या गजब बंदा मिलेगा यार, ये मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। लेकिन पहले यार अपनी गाड़ी ले आते हैं, क्योंकि यार गाड़ी तो सेफ रहनी चाहिए, और आपको पता है भाई गाड़ी कितनी काम आती है रैंगल में। लिविक में इतनी नहीं आती, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी जोन छोटा हो जाता है। बट फिर भी अगर आपके पास गाड़ी हो तो काफ़ी आसान होता है आपको यार, मतलब जोन वोन में जाना। तो यहाँ पर भाई मैं गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ, हमें पीछे से एक फायर आती है और हमें लगता है कि वो बॉट है, लेकिन वो बॉट नहीं होता और वो कौन होता है देखना भाई, क्या ही गजब का बंदा होगा। तो यार यहाँ पर भाई हम चारों को ही भाई किल चाहिए होते हैं, हम चारों के काफ़ी कम किल होते हैं। तो यहाँ पर भाई एक बंदा होता है और वो हमारे सेस्मो को पकड़ लेता है। तो मैं कहता हूँ भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो MK चलाएंगे और उसको पीछे से जाके पकड़ लेता हूँ। तो भाई यार ये तो गजब ही हो गया, मज़ा आ गया यार। देखो इसके बाद भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था DP और कार 98 का, बट मैं कार 98 नहीं लेता यार अभी, क्योंकि मेरे को रिवाइव देना है यार। रिवाइव तो देंगे ना यार अपने टीममेट को, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। चल फिर मैं तेरे को एमओ दे दूंगा 100 100। तो फिर तू ना ग्रोजा की एमओ चाहिए किसी को? ग्रोजा की एमओ चाहिए किसी को? ताजा इस घरों पे ले आ, इस घरों पे ले। तो यार यहाँ पर हमें पता लगता है कि भाई 2-3 बंदे यहाँ पर भी हैं, जहाँ पर हमारे मार्क हुआ है भाई, टीममेट ने जो मार्क किया। तो भाई मैं सीधा बैठ देता हूँ और भाई इस बंदे को देखो यार, उसका भी किल कंधा ही चोरी हुआ, और उसी देर में भाई हमें पीछे से भी पड़ती है और हमारे टीममेट नॉक हो जाते हैं। बट मैं बच जाता हूँ, क्योंकि
तो यहाँ पर भाई मैं स्मोक क्रिएट कर देता हूँ, और उसी देर में भाई स्मोक कुछ ज़्यादा ही भाई होशियार बन रहा था और वो नॉक हो जाता है ओपन में, वो भी तो उसी सीधा पेटी बना ली जाती है। और यहाँ पर भाई मेरे को लग रहा था कि यार वो चार बंदे हैं पूरे, बट ऐसा नहीं होता, मैं फिर से गलत होता हूँ। तो यहाँ पर हमारे टीम मेट को तो भाई आराम से रिवाइव मिल गया, और हमारे भाई जो चौथे नंबर हैं भाई उन्होंने एक जस्ट स्पॉट को मार भी दिया है यार, मतलब गजब भाई मजा आ गया। लेकिन यार उतनी देर में भाई हमारे टीममेट फिर से नॉक हो जाते हैं, और भाई जिसको नॉक किया था ना ये देखो भाई क्या ही मज़ा आ गया यार, इस बंदे को मार के मज़ा आ गया, अलग सा मज़ा आ गया। क्योंकि यार देखो मेरी भी सिर्फ 10 HP बाकी थी, इनफैक्ट ये 10 HP भी नहीं थी, तो भाई मैं भी मर सकता था अगर मेरे पास MK नहीं होती, अगर AK M7 होती तो। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए बचा हुआ हूँ तो काफ़ी अच्छी बात है। भाई इस घर में बैठा हुआ था मैं उसी से मारा, एक जना मेरे को पता है पीछे। तो यार अगर आपको ये HDR ग्राफिक्स अच्छे लगे हो तो भाई लाइक कर देना इस वीडियो को भाई, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अच्छे लगे भी या नहीं, क्योंकि यार देखो कमेंट करते रहा करो। और यहाँ पर भाई देखो क्या ही गजब का कॉम्बिनेशन ले लिया है मैंने, M24 और MK14। तो जैसा कि मैं कह ही रहा था यार मेरे को चलाने का तो मन हो ही रहा था, और ATX भी था और सिर्फ एक बंदा बाकी था। तो यार हम बहुत देर से उस बंदे को ढूंढ रहे होते हैं, मैं टावर पे भी चढ़ जाता हूँ क्योंकि भाई ATX और M24 और टावर भाई क्या ही गजब मज़ा आएगा। और बस मैं अब ऐसे ही फायर दे रहा होता हूँ हर जगह पे, देख रहा होता हूँ कि भाई किस साइड है बंदा, बट मिल भी नहीं देता यार वो बंदा। और उतनी देर में भाई हमारे टीममेट को वो बंदा मिल जाता है, यार किस्मत बहुत ख़राब है यार हमारी, मतलब देखो जोन भी आ रहा था तो हमारे टीममेट ने उसको मार दिया। तो इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ग्राफिक्स अच्छे लगे हो भाई, ये ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे बट थोड़ा सा लैग भी हुआ था, बट इतना भी नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है मेरा, सस्ता नहीं है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पे, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आप दोस्त भी देख सके कि यार HDR ग्राफिक्स में कैसा लगता है, क्योंकि यार देखो HDR में काफ़ी लैग होता है तो यूजुअली बंदे नहीं खेलते HDR में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय।